नमस्कार, एवन न्यूज देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, कोरोना संक्रमितों की संख्या 29 लाख के पार, तो अब तक 2,02,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों ने गंवाई जान, 8,16,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। भारत में बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, संक्रमित मरीजों की संख्या 26,000 के पार, तो अब तक 824 लोगों की गई जान, तो वहीं 5,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव इलाज के बाद हुए स्वस्थ। राजस्थान में भी बढ़ रही है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या, लगातार पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं सामने। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 2,141, तो अभी तक 40 लोगों की कोरोना से प्रदेश में मौत। पीएम नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात के जरिए देशवासियों को किया संबोधित, कहा भारत में कोरोना के खिलाफ असली लड़ाई जनता लड़ रही है, लॉकडाउन ने बदला लोगों का नजरिया। लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी लोगों की होगी घर वापसी, सीएम गहलोत ने वीसी कर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, नियत स्थान पर प्रवासियों को किया जाएगा क्वारंटीन।